राजीव जी एंड साथियों, आप सबका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी चीज पे आपके साथ बात करना चाहता हूं कि एनडीए गवर्नमेंट ने एलईडी के नाम पे जिस तरह से लाइट आती है और जाती है, पलक झपकते ही किस तरह से करप्शन वहां हो जाता है, उस पे मैं कुछ लाइट फेंकने वाला हूं। यूपीए गवर्नमेंट ने 4 पीएसयूज को मिला के एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड करके एक कंपनी बनाई, जिसका काम था देश में एनर्जी एफिशिएंसी और सर्विसेज के बारे में एक जागृति लाना, टेक्निकल सपोर्ट देना, इंडिविजुअल को भी और लोकल बॉडीज को भी टेक्निकल ज्ञान भी देना और उसके साथ उसमें काम करने के लिए सुविधा देना, ये इस कंपनी का काम था। अब एनडीए गवर्नमेंट ने के आने के बाद इस कंपनी को करप्शन का एक प्लेटफॉर्म बना दिया। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये कंपनी एक डियोड भी, एक बल्ब या एक चीज एलईडी की, ये ईईएसएल वो बनाती नहीं है, एक भी चीज नहीं बनाती है, पर फिर भी पूरे देश में ये एलईडी वाली सारी चीजें ये कंपनी देती है। अब सबसे पहली बात यह है कि जो कंपनी एक चीज बनाती नहीं है, वो कंपनी माल तो फिर कहीं से प्रोक्योर करना पड़ेगा, बाहर से ही लेना पड़ेगा। कोई भी पीएसयू हो, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, या पीएसयू या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी कंपनी हो, विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है, और उसी के चलते भारत सरकार ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक सर्कुलर निकाला है, और उस सर्कुलर के जरिए सभी को यह बताया गया है कि आप अगर कोई भी चीज परचेज कर रहे हो तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव बीड होनी चाहिए, L1 को ही काम मिलना चाहिए, और ई प्रोक्योरमेंट के लिए पहले तरह तरह के बातें चलती थी, हथगंडे होते थे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यूपीए के दौरान ही और विजिलेंस कमीशन ने भी बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी कि आपको ई प्रोक्योरमेंट के लिए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है वहीं से गवर्नमेंट के बने हुए प्लेटफॉर्म पे ही आपका टेंडर इनवाइट करना है, आप और कहीं से टेंडर नहीं मांग सकते हो। अब ये जो ईईएसएल है उसका पहला गफला ये है कि ये जो टेंडर मांगते हैं, जो टेंडर इनवाइट करते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और विजिलेंस कमीशन दोनों की गाइडलाइन के खिलाफ जाके अपनी प्राइवेट कंपनी की वेबसाइट पे ये टेंडर्स इनवाइट होते हैं, ताकि यहां पे तो जो जितना चाहे इसको मैनिपुलेट कर लो, आप चाहो उस तरह से एक्स वाई जेड को सिलेक्ट कर सकते हो। इसको रोकने के लिए ही विजिलेंस कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो बातें कही थी उसके खिलाफ ये है। और फिर होता क्या है, यहां पे मेक इन इंडिया की बात होती है, इसको जोक बना दिया जाता है, मेक इन इंडिया नहीं, मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, और ईईएसएल सीधा ही वहां से परचेज करते हैं जो माल एलईडी में ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कहा जाता है कि आपको
जिस तरह से हम कोई भी चीज पानी की बोतल भी लेते हैं तो उसके ऊपर देखते हैं कि भाई ISI मार्क है ना, अगर ISI मार्क नहीं है तो ये पानी पीने में हम भी परहेज करते हैं कि इसको नहीं पी सकते। इसी तरह LED में ML80 सर्टिफिकेट होता है, उसका LM80 सर्टिफिकेशन वो जरूरी है। इंडिया में ये सर्टिफिकेशन के बगैर वो सारे LED के चीजें, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स हो, चाहे वो उजाला के बल्ब हो, चाहे पंप हो, चाहे पंखे हो, अभी तो रेफ्रिजरेटर की भी बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें बिना सर्टिफिकेशन से ये ले रहे हैं, और सारी है मेड इन चाइना या मेड इन ताइवान। तो मेक इन इंडिया की बात ही यहां पे नहीं रहती है। दूसरी चीज है कि ये LED में स्ट्रीट लाइट अर्बन लोकल बॉडीज में लगाने के लिए पहले भी UPA गवर्नमेंट भी कहती थी, हम सपोर्ट भी करते थे उनको और कहते थे कि कॉम्पिटिटिव बिड मार्केट से जो L1 आएगा उसको ही काम देंगे, लोकल बॉडीज को एक भी पैसा नहीं देना है और थर्ड पार्टी इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इसका ऑडिट होगा और बाद में ही पेमेंट हो सकती है। अब EESL को क्या कर दिया कि लोकल बॉडीज में EESL LED स्ट्रीट लाइट लगा देगी, इसका कोई थर्ड पार्टी ऑडिटिंग नहीं, EESL की आपने LED लगा दी माने 50% बीम सेविंग हो गया। बीम सेविंग मान लो हो ही जाएगा क्योंकि ये तो NDA की सरकार की कंपनी लगा रही है, 1 लाख का जिस लोकल बॉडी को बिल आ रहा है उसको मान ही लेना है क्योंकि मैंने LED लगा ली, 50% डिम सेविंग, मेरा बिल 50,000 हो जाएगा। तो ये 50,000 का जो सेविंग रहा है उसका 60% माने 30,000 कौन ले जाएगा, EESL कंपनी को दे देना है और 40% ULB का सेविंग मान लिया जाता है। मैं ही चोर, मैं ही कोटवाल, कोई थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं करेगी कि तुम्हारा सेविंग हुआ है कि नहीं, EESL कंपनी तय करेगी कि कौन पार्टी थर्ड पार्टी इसका ऑडिट करेगी, वो कंपनी चूज करने का अधिकार भी EESL को दे दिया ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे। मैंने कुछ म्यूनिसिपालिटीज में जहां पे LED लाइट्स लग गए, EESL के लग गए, वहां पे RTI की उस म्यूनिसिपालिटीज से डेटा निकाला और मैं चैलेंज के साथ मैंने सारे एनालिसिस करके, क्योंकि म्यूनिसिपालिटी में वो एक बिल नहीं आता है, हर 100 या 150 एरिया के ट्यूबलाइट्स के बाद एक मीटर लगता है, दूसरा लगता है, तो ढेर सारे मैंने एक म्यूनिसिपालिटी पकड़ी तो उसमें 48 मीटर्स थे, 48 बिल्स आते थे। LED लगी वहां पे सितंबर 2016 में। अब उससे पहले जो बिल आता था वहां वो था 5,03,516 रुपया अगस्त में। अब स्ट्रीट लाइट LED हो गई तो 50% सेविंग हो जाना चाहिए। मैंने सितंबर का बिल निकाला तो 50% कम तो नहीं हुआ पर ये 5,97,865 बिल और बढ़ गया। फिर अक्टूबर का निकाला 5,36,000, नवंबर का निकाला 5,24,000, दिसंबर का निकाला 5,47,000 और जनवरी में 6,04,000। LED के बाद बिल बढ़ता गया। सॉरी, ये हाँ, ये नवसारी म्यूनिसिपालिटी है, नवसारी म्यूनिसिपालिटी गुजरात की। और ऐसा क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वाइड, मैंने ये भी, आप भी गूगल में रिसर्च करोगे, अगर सही अर्थ में LED होगा पावर कम होगा ही होगा, पर अगर आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं की तो पावर कम नहीं होगा, पावर का यूज ज्यादा होगा और बिल बढ़ेगा। इतना ही नहीं,
अगर आप भी देखोगे तो मिलेगा, मॉडर्न मेडिकल साइंस ये कहता है कि एलईडी अगर ठीक लाइट वाली नहीं है तो ये फायदा नहीं, नुकसान देती है आंखों को भी, एंड इट्स हैजार्डियस टू योर आईज एंड हेल्थ, जिसका मोदी जी प्रचार कर रहे हैं। और इसी तरह से देश में क्वालिटी मेंटेन नहीं होने की वजह से नुकसान देशवासियों का भी हो रहा है। हमारा सीधा सवाल है कि पीयूष गोयल जी का ये डिपार्टमेंट है, पीयूष गोयल जी का ट्विटर तो पावर सेक्टर के लिए कपाल भाती करता रहता है, हर बार ट्वीट होती है उसकी, कपाल भाती की तरह ट्वीट होती है उनकी। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी ट्वीट करें और बताएं कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आपकी सरकार का डिपार्टमेंट और विजिलेंस कमीशन, उसकी गाइडलाइन को फॉलो क्यों नहीं किया, आपने एलईडी में सर्टिफिकेशन क्यों नहीं, आपने मेक इन इंडिया की बजाय यहां के छोड़ के चाइना के लोग आपको क्यों पसंद आए, क्यों मेक इन इंडिया को ये काम नहीं दिया जा रहा है, क्यों थर्ड पार्टी ऑडिटिंग, माने जहां पे ईएसएल का कोई रोल नहीं होना चाहिए, थर्ड पार्टी माने थर्ड पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी कि मेरे स्टेट में मेरी यूएलबी पैसे दे रही है तो डीम्ड क्यों मान ले, हम ऑडिट करेंगे, ऑडिट में लाइट सेविंग हुआ आपको 50% में से 60% जरूर दिया जाएगा, बट बिना थर्ड पार्टी आप तय कर लो, मैं ही चोर, मैं ही कोटवाल, मैं ही न्यायाधीश, इससे कैसे बाहर निकलोगे। अगर पीयूष गोयल जी के आशीर्वाद से नहीं चल रहा है तो इसका इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कब करवाएंगे। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगेहबानी में, क्योंकि कोई छोटा मोटा नहीं है, हमने जो असेसमेंट निकाला है 20,000 करोड़ रुपए का ये भ्रष्टाचार हो सकता है, अगर हमारा आंकलन, हम जो कहते हैं कि जिस तरह से क्वालिटी, क्योंकि एक ही चीज अगर आप क्वालिटी वाली चाहते हो, वो एलईडी का डियोड जहां 60 रुपया में मिलता है वही चाइनीज 5 रुपये में भी मिल सकता है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, कब रुक जाए पता नहीं, वो चाइनीज माल यहां पे आ रहा है जो आंखों को भी नुकसान करता है, तो इसके बारे में जांच हो, ये हमारी मांग है। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा जी। मैंने असेंबली में उठाया और मुझे दुख है कि विधानसभा में मैं खुद बोला था और मैंने नवसारी म्यूनिसिपालिटी के आंकड़े रखे, मेंबर्स के बोलने के बाद मंत्री को जवाब देना होता है, मेरे इस क्वेश्चन का रिप्लाई मंत्री जी नहीं दे पाए हैं और इसलिए अब ये असेंबली के प्लेटफॉर्म में नवसारी नगरपालिका के मुद्दे को उठाने के बाद जो लोकशाही का सबसे अहम पिलरों में से एक है मीडिया का, उसके जरिए आवाम के बीच में ये बात मैं रख रहा हूं, ये मैंने जरूर उठाया था और उसका जवाब नहीं था उसके पास। नेशनल इशू, एंड इट्स अ नेशनल इशू, नॉट गुजरात सेंट्रिक, ये तो क्योंकि मैं वहां से था तो मैंने पहले आपके सामने आने से पहले मैं जानना चाहता था कि एलईडी ईएसएल लगाती है वहां क्या होता है, तो आरटीआई की थी और आरटीआई में ये सारे बिल्स कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करके ये लगाया और उसके बाद में असेंबली में बोला, असेंबली में मेरे खिलाफ अगर मैं सही नहीं होता तो प्रिविलेज आ सकता था, मुझे प्रिविलेज का नोटिस नहीं दिया है।